हिंदू सभ्यता में कई देवी देवताएं हैं जिनमें भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज़्यादा माना जाता है। श्री गणेश भगवान शिव जी और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। हमारी आज की कहानी गणेश चतुर्थी के ऊपर है। इस दिन गणेश जी की पूजा के पीछे का इतिहास हमें इस कथा से पता चलेगा। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी के शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश और कार्तिकेय भी वही बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखा। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने ये बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपने जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है, चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, बात तो एक ही है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। तो यही है गणेश चतुर्थी के पीछे की कहानी। हमें उम्मीद है आपको ये कहानी सुन के अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान गणेश के इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है जिसमें वे मृत होकर भी दोबारा जन्म लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। शिव पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने स्नान से पूर्व शरीर पर हल्दी का उबटन लगाया था। इसके बाद जब उन्होंने उबटन उतारा तो इससे एक पुतला बना दिया और उसमें प्राण डाल दिए, जिसका नाम उन्होंने गणेश रख दिया। पौराणिक कथा में ये बताया गया है कि माँ पार्वती जब स्नान के लिए गई तब उन्होंने बाल गणेश को पहरा देने कहा, साथ ही ये आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना कोई भीतर नहीं आ पाए। थोड़ी ही देर में महादेव वहाँ पहुँच गए और भीतर जाने लगे। तब एक दंत ने उन्हें रोका और भीतर नहीं जाने को कहा। भोलेनाथ ने इसे बाल हट समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गणेश नहीं माने और महादेव को भीतर ना जाने की चुनौती देने लगे तो क्रोधित होकर भोलेनाथ ने त्रिशूल चला दिया और क्षण भर में ही बाल गणेश का सिर धर से अलग हो गया। जब माँ पार्वती स्नान कर बाहर आई तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी मिली।
वो काफ़ी देर तक पुत्र विलाप करती है और फिर उन्होंने भोलेनाथ से गणेश को फिर से जीवित करने की मांग की। महादेव ने बाल गणेश में प्राण डालने का काम भगवान विष्णु को सौंप दिया। फिर भगवान विष्णु ने एक शर्त के साथ अपने सुदर्शन चक्र को रवाना कर दिया। सुदर्शन चक्र एक हथिनी के बच्चे का मस्तक ले आया, जिसे देख सभी हैरान हो गए और भगवान विष्णु से सवाल करने लगे कि आखिर एक हाथी के बच्चे का मस्तक बाल गणेश के लिए क्यों आया है। इस पर भगवान विष्णु ने जवाब दिया कि उनके शर्त के अनुसार आदेश दिया गया था कि जो माता अपने पुत्र की तरफ पीठ कर सो रही हो उसी का ही मस्तक ले आना। इस कारण से हाथी का ही मस्तक मिला। भगवान शिव ने उस मस्तक को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा सबसे पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। और ऐसे प्रभु श्री गणेश बन गए प्रथम पूजनीय। हमें उम्मीद है गणेश जी की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो। कहानी के बारे में अपनी राय हमारी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद।